मुस्लिम ऐसो ने किया शिव जलाभिषेक। मुस्लिम ने किया मंदिर में जलाभिषेक, कांवड़ियों का फल फूल देकर किया स्वागत। मुस्लिम ऐसो के इस काम से सख्ते में सांप्रदायिक बलबैये। एक तरफ बीजेपी देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने और मुस्लिमों का नामो निशान मिटाने पर तुली है। तो मुल्ला घुस ही जाएंगे, इसको कोई रोक नहीं। संकल्प लो और धर्म की रक्षा के लिए उठाइए संकल्प, लो मन से लो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ, मैं संकल्प लेता हूँ, मैं किसी भी मुल्ला मियाओं से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखेंगे। मुसलमानों के खान पान से लेकर नमाज कुर्बानी तक में मनमाने अड़ंगे लगाना नहीं भूल रही है। तो वहीं योगी के कुछ अफसरान आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक पुलिस अफसर से हम आपको मिलवाते हैं। बरेली के भमोरा थाने में तैनात एसओ जावेद खान भी ऐसे ही एक अफसर साबित हुए। जावेद खान ने न सिर्फ कांवड़ियों का स्वागत किया बल्कि मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक करके धर्म के ठेकेदारों की दुकानें भी बंद कराने की पहल कर दी। एसओ जावेद खान की इस बात की पहल न सिर्फ पुलिस विभाग में बल्कि हर अमन पसंद की जुबान पर तारीफ सुनी जा रही है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर ऐसे ही कुछ और अफसरान हो गए तो सांप्रदायिक फूट बढ़ाने वालों की दुकानों का क्या होगा। जल अभिषेक का भाव कैसे मन में आया और क्या क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे थाना प्रांगण में काफी प्राचीन मंदिर है, इसका जीर्णोद्धार भी अभी कुछ समय पूर्व कराया गया था। यहाँ की परंपरा रही है कि यहाँ थानाध्यक्ष द्वारा, जो भी थानाध्यक्ष रहता है उसी के द्वारा पूजन का आरम्भ किया जाता है। अब की बार चूँकि मैं ऐसा हूँ, लोगों में यहाँ के मैं और सभी लोगों में हिचकिचाहट थी कि अब की बार कैसा किया जाएगा, मुस्लिम ऐसो है, मुझे भी पता चली तो मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर किसी को ऐतराज़ ना हो तो मैं कर सकता हूँ, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं रहेगी, बशर्ते कि सामने वालों को किसी को कोई आपत्ति ना हो मेरे करने से। आपने अभी क्या जलाभिषेक किया? जी जलाभिषेक किया मैंने। कांवड़ियों की सेवा के लिए मैंने कैंप लगाकर यहाँ पे फूल वर्षा की, उनके लिए फलाहार का इंतजाम किया और जूस वगैरह पिलवाया था और फिर अगले दिन भंडारे का भी आयोजन किया जिसमें सभी लोगों को खाना भी खिलवाया गया था। नहीं, सभी में खुशी है और सभी क्षेत्रवासियों से भी मुझे काफ़ी अच्छे मैसेज मिले हैं, सबने मुझे बधाई दी है, प्रोत्साहित भी किया है। और जो मेरा उद्देश्य था कि सभी लोगों को साथ लेके चलना और सभी में अपना मैसेज पहुंचाना कि सभी धर्म बराबर हैं, किसी को भी कोई कम ना समझें, और मेरे स्टाफ ने भी मुझे पूरा सहयोग दिया, सभी का मैं आभारी भी हूँ।